नवंबर, इसके मैं दिन मानता हूँ 20 ही दिन है समझ लो, दिसंबर का भी 20 दिन ही है, क्योंकि नवंबर में दिवाली भी आपकी ये दो चार दिन की नहीं, बोलते बोलते भी दो चार दिन का दिवाली का टाइम पास होगा ही। और मैं तो बोलता भी हूँ कि एंजॉय भी करना चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि दिवाली फुलझड़ी के खड़े ही ऐसे ऐसे करके, इतना भी नहीं बैठे रहना है ना। अगर फुलझड़ी एक हाथ में तो एक हाथ से लिखते भी रहो, मतलब मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा तो खैर मस्ती कर रहा हूँ, एंजॉय करो दिवाली, ऐसा नहीं है, लेकिन बैठे रहे घर पे ऐसा भी होना चाहिए। फिर भी मैंने दिवाली के 5 दिन निकाल दिए, फिर भी आप 20 दिन दिवाली के, मतलब इस दिन के पकड़ता हूँ मैं, नवंबर दिसंबर के 20 दिन हो गए आपके पास टोटल 40 डेज, ठीक है ना। अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मेरे से बच्चे पढ़ रहे इनकी बात करूँ, अगर ये आपकी बात करूँ फिलहाल के लिए, तो आपका कॉन्टेंट वाला टास्क मेरे को लगता है हो गया है, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है ना। अब आपको दो तीन टास्क करने हैं, जो मैं भी कुछ करूंगा इसमें, कुछ काम मेरे भी रहेंगे एज अ टीचर, और कुछ काम आपके रहेंगे, ठीक है ना। 40 डेज की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, है ना, ये हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग राइट नाउ, 40 डेज की स्ट्रेटजी कैसे रहेगी। इसमें कुछ काम मेरे हैं एज अ टीचर, और कुछ काम आपके एज अ स्टूडेंट, ठीक है। आप जानते हो अच्छे से कि मैंने आपको रेगुलर बैच पढ़ाया पूरा, आपको मतलब मैंने पढ़ाया, और जो बच्चे यूट्यूब वाले होंगे, ऑनलाइन वाले होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। एंड आई अज्यूम, रादर लॉ की भाषा में आई प्रिज्यूम इट, कि आपने पूरी पढ़ाई कर ली होगी, अब तक तो पूरी पढ़ाई हो जानी चाहिए, आपने रेगुलर बैच पूरा पढ़ लिया होगा, ठीक है। अगर आपने मेरे साथ पूरा फॉलो किया है, सेप्टेम्बर पूरा, अक्टूबर पूरा, ये वीकली एग्जामिनेशन सीरीज बैच, जहाँ पे हमने पूरा डिटेल में, आज का दिन छोड़ दो, 2 घंटे वाला सेशन हमारा हुआ, बाकी सारे सेशन ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स के हुए, 5 आवर भी पकड़ता हूँ, जिसमें मैं ब्रेक नॉर्मली देता नहीं था, एक ही ब्रेक देता था 15 मिनट का, उसमें भी लंच ब्रेक, मतलब अपन ने पूरा क्वालिटी क्या करी, हमेशा यूटिलाइज करी है। फिर भी मेरे को लगता है 6 to 7 सेशन में अपने 30 आवर तो निकल ही गए, है ना, रिविजन के 30 आवर का मेरा कंटेंट तो बन ही गया है ना, रेगुलर हम, मैंने तो पढ़ाया कम से कम 200 घंटे के आसपास का, और ये 30 आवर, ये हो गया अपना। आपने जितने भी रेगुलर कहीं से भी पढ़ा होगा, वो भी अगर आप अभी भी शिद्दत से रोज 2-3 घंटे, कोई बंदा पहली बार अगर मेरे से जुड़ा है एग्जाम्पल, है ना, जैसे साहिल को शायद मैं भी अभी इस तरह से पहली बार आज देख रहा हूँ, है ना, बच्चे तो रेगुलर क्लास का बच्चा है, लेकिन इस तरह से पहली बार, तो अज्यूम कर रहा हूँ साहिल ने अगर पूरे रिविजन देख लिया, ठीक, नहीं देखे होंगे, अगर आज भी 3 घंटे डेली देखता है कोई भी रिविजन बैच, तो 10 दिन में पूरा रिविजन, 30 घंटे का रिविजन है, 10 दिन में पूरा रिविजन अभी भी हो सकता है, अज्यूम करता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपके शुरू करूंगा राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, यहाँ मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको 1 डे पे एक कस्टडी कराऊं, तो अगर 40 डेज में अगर हम लोग क्या करेंगे, 40 कस्टडी भी करेंगे मेरे तरफ से, और अगर आपने 40 डेज में 40 कस्टडी करी प्लस मेरे से 40 करी, और आपने खुद से भी 40 और करी, डेज नहीं लिख रहा हूँ सॉरी मैं, 40 क्वेश्चन मेरे वाले, और आपने खुद के 40 निकाल लिए, तो आपके अगर आज भी अभी भी बिना मेहनत किए 80 क्वेश्चन होते हैं, 80, 40 मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन देकर, उसके आंसर दूंगा, 40 आप खुद ढूंढ लेंगे। अगर आपका एक आंसर का टाइम अभी लग रहा होगा, मान लेते हैं 10 मिनट्स का, आई कैन बेट यू ये टाइम कुछ दिनों में कितने मिनट में आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर लिखना 8 मिनट में, और ये आ जाएगा बाद में 6 मिनट में, बट आपको वादा करना है कि आप क्या करेंगे, डेली 1 केसरी लिखेंगे, 1 मिनिमम, मैक्सिमम तो श्रद्धानुसार है, फिर तो आपके पास अगर मेरी केसरी की बुक होंगी तो उसमें 500 केसरीज है, वो भी निचोड़ लेते पूरा, फिर तो भाई साहब बहुत बढ़िया हो गया, बट चलो नहीं भी करते हो तो भी 40 डेज में डेली 1 केसरी मेरे तरफ से, और आपकी तरफ से 1 केसरी आपकी, 40 + 40, 80 भी क्वेश्चन करते हो, तो मुझे लगता है आपको बहुत फायदा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आई एम प्लानिंग कि मैं आपके लिए एक, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, मैं आपके लिए एक सेक्शन वाइज मैराथन भी लाने वाला हूँ, ठीक है ना, जिसमें मैं तकरीबन ये मान लो कि जो मेन इंपॉर्टेंट 100 सेक्शंस होंगे, जैसे सब सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे अपन बात करते हैं एजीएम में सेक्शन में 96 इंपॉर्टेंट है, 97, 98 छोटा सा होता है, 100 इंपॉर्टेंट है, फिर 101 इंपॉर्टेंट है ना, जैसे आज ही हमने बात करी 196 इंपॉर्टेंट था, 197 इंपॉर्टेंट था, 98 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो भी है वो मैं कवर कराऊंगा। तो ये हो गया एज अ टीचर मेरा एंगल, जो मैंने आपके लिए ये और ये तो काम करवा दिया है, अज्यूम करता हूँ कि आप मेरे से ये पूरा पढ़ लिए, रिविजन भी पूरा हो गई, रिविजन तो खैर मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, जो बंदा मेरे से पहली बार जुड़ा है वो भी पूरा पढ़ लिया होगा। राइटिंग प्रैक्टिस अभी मैं आपके साथ कराऊंगा, और आप मेरे साथ जुड़ेंगे, और आप ये काम करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, और सेक्शन वाइज भी मैं आपको कराऊंगा। आपको भी क्या करना है, मतलब एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है, क्योंकि क्या होता है, मैं कल भी हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा, मैं आपके लिए एक दो चीजें और भी करा सकता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं आपके लिए टेस्ट पेपर भी ले सकता हूँ, मैं आपके ये भी मैं तो कुछ भी करा सकता हूँ, लेकिन
मैं जितना कराऊंगा उतना आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे फेल होने के। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, आपको लगे बहुत अजीब आदमी है ये, उल्टा बोल रहा है। और मैं कराते रहूंगा, मैं कराऊंगा, क्योंकि आपका जो एरिया है अभी भी खाली पड़ा है। एज अ स्टूडेंट आप क्या कर रहे हो तो मुझे मालूम नहीं क्या कर रहे हो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके चांसेस फेल होने के ज्यादा बढ़ेंगे। अब आपको ही काम करना है, जैसे इसको पूरा आप रिवाइज करेंगे अभी के अभी, है ना, आने वाले दिवाली में, खास करके अगर छुट्टियां ज्यादा है तो यू कैन मेक इट 3-4 आवर्स। जैसे मैंने अभी साल का एग्जाम्पल लिया, सबके लिए ही है, जो रेगुलर आया, जैसे कि प्रशांत विशाल बराबर आया, प्रशांत बराबर आया है रेगुलर, सर्वेश बराबर आया है, विशाल बराबर आया है, जो रेगुलर बहुत आए हैं वो तो पूरा पढ़ चुके हैं। तो वो अगर और एक बार फास्ट फॉरवर्ड पढ़ ले, फास्ट फॉरवर्ड पे, तो स्पीड और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। और जो जैसे अभी प्रेम हो गया, आप सब लोग हो गए, आप लोग रेगुलर काफी पढ़ते रहे, ये भी पढ़ते रहे, तो आप भले ही रिविजन मैथ में कम ज्यादा आए लेकिन नॉलेज आपको पूरा है। ऑनलाइन में मैं बहुत लोगों के नाम देख पा रहा हूँ जो रेगुलर जुड़े हुए थे, है ना, जैसे मोहसिन है, अंजलि है, आई नो, बट कुछ लोग अभी भी जुड़े हैं, तो ठीक है, जैसा भी है, आप पढ़ लो, रिवाइज पूरा कर लो। ये आपको प्रॉमिस करना है कि कम से कम आप 80, मतलब इसको आप 100 का टारगेट लेके चलो, 100 केस स्टडी आप क्या करेंगे, कम से कम लिख के देखेंगे, केस स्टडी या जो भी है वो आप लिख के देखेंगे। ये आप अगर आप करते हो, है ना, रिवाइज। और तीसरा, अभी हम लोग मैराथन वगैरह भी लेंगे जिसमें आप अटेंड करेंगे प्रॉपर, है ना, मैराथन या रिविजन सेशन, तो जो भी कुछ है आपको करना है वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। इस सब के लिए नीचे में लिंक मिल जाएगी, आपको शायद पता ही होगा, नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है ना, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मेरे एक प्रॉपर चैनल है। इंस्टाग्राम पे पता है आपको चैनल, आजकल सिस्टम शुरू हुआ है चैनल वाला, वो चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लिंक्स, नोट्स, PDF सब आएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पर नीचे भी चैनल मिल जाएगा, वही चैनल पर आप ज्वाइन कर देना, उसी में आपको सारे लिंक्स आ जाएंगे। डेली के जो 1 क्वेश्चन आने वाले वो भी आपको कहाँ आएंगे, इंस्टाग्राम के उसी चैनल पे। तो वो आप काम कर लो, उससे आपको क्या होगा, सारे नॉलेज मिलते जाएगा। इतना भी आपने काम कर दिया, एंड यू कैन डू प्रीवियस ईयर, आपके पास सबको मुझे बताया, सब लोग स्कैनर वगैरह रेफर करते ही हो, स्कैनर नहीं हुआ तो आपके ICSE की गाइडलाइन मिल जाती है। और भी अगर आपको लगता है कि कुछ और है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, सबसे भी ऑनलाइन वाले भी, नीचे कमेंट में बताओ कि और क्या लगता है आपको, जिससे कि आपको हेल्प चाहिए वो मैं देखूंगा। बट ये दो काम अगर आप करते हो, सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे, तो इतने टाइम आप 40 डेज में आराम से कर सकते हो अच्छी तरीके से, और आपका कम्पिलॉ में एरी इजिली 80% मार्क्स, 80 मार्क्स तो आराम से चांसेस है टारगेट करने के। मतलब 40 डेज में अगर आप 80 केस स्टडी भी लिखते हो तो मैं बोल सकता हूँ कि 80 दिन 80 केस स्टडीज के लिए आप लिखोगे, 40 डेज ध्यान दोगे, तो 80 मार्क का आप टारगेट ले सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। और टारगेट 80 का लोगे तो जाके कितने आएंगे, या तो 80, और नहीं भी 80 तो 80 का कभी 60 तो आएगा, है ना। आप में से इतने लोग भी, मुझे लगता है जैसे भी सर्वेश ने भी एग्जाम दिया है जून में पहले भी, जो भी लोग रिपीट एग्जाम दिए है, आप दिल से बताओ कि आपका पेपर पूरा 100 मार्क का सॉल्व हुआ था क्या? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने कभी लिखा ही नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, इसलिए मैं आपको 80 क्वेश्चन आंसर तो लिखना ही है, आपको लिखना है, देखना नहीं है, अरे वाह हाँ अच्छा हो गया आ रहा है मेरे को, आ रहा है नहीं है, लिखना है। इफ आई सेंड यू क्वेश्चन, आप बोलेंगे अरे तो बहुत ईजी क्वेश्चन मुझे आ गया, आपको आगे लेकिन लिखना नहीं आ रहा है, आंसर कहां से मिलेंगे, उसी में आपको आंसर आएंगे। मतलब मैं day 1 पे दूंगा क्वेश्चन, day 2 पे उसका आंसर आएगा, और day 2 पे नया क्वेश्चन आएगा, day 3 पे उसका आंसर आएगा, day 3 पे नया क्वेश्चन आएगा, day 4 पे उसका नया आंसर आएगा। तो वो आंसर day 3 में आने के पहले आपको खुद से उसमें, मुझे पता है धीरे धीरे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, नेक्स्ट डे आंसर आने वाला है, देख लेंगे, देख लेने से कुछ नहीं होने वाला है, फिर हम भी देख लेंगे दिसंबर एग्जाम में, है ना। चलो डन है, तो विल वाइंड अप नाउ, सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं, ऑलमोस्ट सारा तो हो ही गया है।